आप देख रहे हैं जवाहर न्यूज। लगातार 3 सालों से आप देख रहे हैं कि राजनीतिक अखाड़ा और प्लेटफॉर्म बन के रह गया है फेयर प्राइस फेडरेशन। ये डीलर का जो तमाम जो एसोसिएशन है, राजनीतिक अखाड़ा इसलिए है कि तमाम लोगों का जो गुस्सा कहिए वो झेलना पड़ता है इन तमाम डीलरों को। गुस्सा भी झेले, बेइज्जती भी झेले और कमीशन के नाम पर इन्हें ठेंगा मिलता है। उसी का नतीजा है कि महाधरना प्रदर्शन आज पुराने समरणालय के नज़दीक हो रहा है और आज डीलर एसोसिएशन के तमाम लोग, तमाम सदस्य, तमाम डीलर यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, आखिरकार 15 महीना से कमीशन नहीं मिलने के कारण क्या कुछ परेशानियाँ हो रही है और 1 रुपया कमीशन आज के डेट में कितना उपयोगी हो रहा है इस महंगाई के दौर में। तो हमारे साथ में सर, आप लोग लगातार 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं कमीशन को लेकर और कई आप लोग का फैसिलिटी को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप राजनीतिक एक अखाड़ा प्लेटफॉर्म बनकर रह गया, केवल आप उसी उपभोग की वस्तु बनकर रह गया। देखिए, जन वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा योजना जो है, वह गरीबों के लिए यह योजना बनाई गई है जो कि या कहिए कि आप एशिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, और हमें इस बात पर गर्व है कि हम इस योजना को चलाने वाले में से झारखंड में 25,000 डीलर हैं जो राज्य में लगभग 70 लाख लाभार्थी की सेवा हम करते हैं। कोरोना जैसे समय में भी हमने अपनी जान की परवाह नहीं कर, उस वक्त जब पदाधिकारी घरों में डूबते रहते थे, कोई बाहर नहीं निकलना चाहता था, यहाँ तक कि पति पत्नी से नहीं मिल पाता था, हम लोगों के अंगूठे को पकड़ करके और लोगों को राशन दिलाने देने का काम करते थे और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का पालन करते थे कि भूख से किसी की मौत नहीं। लेकिन आज तक हमारे जो लोग उसमें जो दिवंगत हुए उनको किसी तरह का न मुआवजा मिला न उसके किसी तरह की पहली बात। अब सवाल है कि हमको मात्र 100 रुपया कमीशन हमको मिलता है, झारखंड की बात करते हैं, 100 रुपया हमको 1 क्विंटल पर कमीशन मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा भारत सरकार के लिए चलाई गई थी, उस योजना में यह था कि अतिरिक्त 5 किलो अनाज दिया जाएगा ताकि लोग भूख से न मरें, और उस योजना को हम लोगों ने चलाया और दिसंबर 2022 में जब यह योजना समाप्त हुई तब तक हमारा 10 महीना किसी राज्य के किसी किसी जिले में 20 महीने का, 18 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कमीशन डीलरों का बकाया है। अब बकाया क्यों है, हमको तो देते गया, हम तो माल उसको बांटते गए, कमीशन जो हमको मिलना चाहिए था वो तो करके हमको तो मुफ्त में देना था। वो बकाया इसलिए है कि भारत सरकार जो अनाज राज्य सरकार को देती है उसका एक उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को, भारत सरकार को देना पड़ता है कि साहब इतना लाख क्विंटल आपने दिया जिसमें इतना हमने विक्रेताओं को दिया और इतना मेरे पास बैलेंस है, उस हिसाब से वो वहाँ से फंड देती है। भारत सरकार ने बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी आज तक जो है राज्य सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, मेरे पास है जो कि 2 तारीख को भारत सरकार ने जारी किया है लिस्ट जिसमें झारखंड का नाम है, कि झारखंड सरकार बार बार कहने के बावजूद भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है जिसके कारण डीलरों का मार्जिन बनी नहीं है। डीलर का मार्जिन मनी ही नहीं, जो GST का जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। 265 लाख 158 रुपया जो है का यहाँ से भेजा गया है कि इन लोगों का बकाया है, यहाँ प्रधानमंत्री केंद्रांश उसके बाद राज्यांश उसमें लगे तब मिलकर के भुगतान होगा, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब सरकार मांगती है तो सरकार उसका तरह तरह का बहानेबाजी करती है। पहली बात, जब यह योजना दिसंबर में खत्म हो गई और जनवरी के बाद जब यह दूसरी योजना शुरू हुई प्रधानमंत्री की जिसमें मुफ्त अनाज देना, अब देखिए दुर्भाग्य क्या है कि हमको तो मुफ्त अनाज बांटना है, मेरे गल्ला में 1 रुपया नहीं है, मुफ्त में हमको काम करना है, पिछला भी बकाया और अब जो हम दे रहे हैं उसमें 2 महीना का मात्र भुगतान हुआ है, ये 6 महीना शुरुआत NFSA का, इसमें भी बकाया है, इसका भी पैसा अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। तो इस तरह से आखिर हम अपना परिवार का गुजारा कैसे करें, हमको दवा दारू सब सब्जी कपड़ा लत्ता घर की जरूरत की चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए आखिर ये विक्रेता जाएंगे।
तो ये हालत है, इस हालत के पर हम लोग काफी क्यों ऐसा दिक्कत होता है कि सरकार से संवाद हुआ है, सरकार को बार पैसा आएगा केंद्र, वो केंद्र पर फेंकता है, केंद्र सरकार हमको अपना अंश देगी तब ना हम देंगे, अब केंद्र कहता है कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिएगा तब ना हम आपको देंगे। देखिए एफ सी आई से जब खाद्यान्न आता है एस एफ सी में, कई जगह बोरा का रेलवे हेड से एफ सी आई में आया, एफ सी आई से एस एफ सी में आया, फिर वहाँ से गोडाउन में गया और उसके बाद वहाँ से डीएसडी में आ गया, डीएसडी से फिर आपके चार जगह पांच जगह तो बोरा फटकाता है। इसमें तो इसके लिए हैंडलिंग लॉस के लिए हम लोगों ने भारत सरकार से राज्य सरकार से कहा कि प्रति क्विंटल हमको एक के जी का हैंडलिंग लॉस दिया जाए, इस पर भी वो तैयार नहीं है। एसएफसी को हैंडलिंग लॉस मिलेगा, एफसीआई को हैंडलिंग लॉस मिलेगा, राशन तेल के होलसेलर को हैंडलिंग लॉस मिलेगा, लेकिन राशन दुकानदार जो एक एक दाना को बेचता है 10 किलो 5 किलो तक, तो उसको हैंडलिंग लॉस नहीं देगा। सरकार की नीति कितनी दोहरी नीति है इसको आप देखिए। अब उसमें जो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कांटे को हमारे मशीन से जोड़ा गया, तो वह अगर 1 ग्राम भी कम होगा तो वह पर्ची नहीं निकालेगा। तो नतीजा है कि अब हम भी जो है हमको भी अगर 1 ग्राम कम वजन में मिलेगा तो हम भी माल रिसीव नहीं करेंगे। जब तक डीएसडी जो है वो हमको पहुंचा करके जो खाद्यान्न देगा हमारे यहाँ वजन करके, अगर जब तक हमको संतुष्ट नहीं करेगा नियम के मुताबिक उसको संतुष्ट करके हमको देना है, तब तक हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। जितना देगा उतना ही रिसीव करेंगे, क्योंकि हम अपने घर से कहाँ से देंगे। आज इस महाधरना में बैठने वाले बहुत बहुत एक सवाल लास्ट, कमीशन की राशि सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा डिमांड है 300 रुपया क्विंटल हम लोगों को दिया जाए और एक मानदेय दिया जाए। हम जब सुबह से शाम तक काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं और सरकार केंद्र सरकार की योजना चला रहे हैं तो हमको क्यों नहीं मानदेय दे 30,000 रुपया मानदेय और 300 रुपया प्रति क्विंटल हमारा कमीशन। मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले सबके साथ मुख्यमंत्री और मान वर्तमान विधायक उनके साथ बैठक हुई थी, उन्होंने वादा किया था कि सरकार हमारी बनेगी 6 महीने के अंदर में आप लोगों की समस्या का समाधान होगा। कोरोना आ गया, ठीक है कोरोना आ गया, कोरोना के बाद उनसे कई बार आवास में मिले, राजभवन में मिले, कई जगह पर मिले, उनको मिलेगा 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 मिलेगा, आज तक 1 रुपया उन्होंने नहीं बढ़ाया, वादा खिलाफी करते जा रहे हैं। सबको उन्होंने दिया, आपने देखा होगा कि स्पीच में कई संस्थाओं का उन्होंने वेतन बढ़ाया, सरकारी संस्था गैर संस्था जो भी हो, लेकिन जनवितरण प्रणाली की जब बात आती है तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है। और राज्य के जो हमारे खाद्य मंत्री हैं, जो संयोग से वित्त मंत्री भी हैं, उनका सहयोग हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, यह मेरा सीधा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितने सुरक्षित? सुरक्षा किस तरह का? पता नहीं कि चावल बांटने में कम कर दिया तो बड़ा अच्छा होता है। हाँ, तो होता है, डीलर हमेशा असुरक्षित है। जब हम सब्सिडी का खाद्यान्न हम बांटेंगे तो हम तो हमेशा तलवार के धार पर रहते हैं, एक तरफ लाभार्थी और दूसरी तरफ पदाधिकारी, एक से बचिएगा तो अरे खीरा गिरेगा छुरी पर तो बचेगा, हमारी तो ये हालत। कई ऐसे डीलर है जो मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी होते पदाधिकारी। हमने पिछले बाइट में आपको कहा था और आज भी मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि अगर हमारा डीलर डिप्रेशन में जाएगा तो सरकार को हम डिप्रेशन में ला देंगे आने वाले चुनाव, ये आज भी मैं दोहरा रहा हूँ बड़ी बड़ी बुलंदी के साथ, और आज हमने इसका नज़ारा जो है एक दिखा दिया है।